बस किसान भाइयों, कैसे आप? तो किसान भाइयों, आज मैं खरपतवार नाशक मारने वाला हूँ हमारे प्याज में। तो मेरे पीछे देख सकते हो, ये भी प्याज है, इसको अभी खरपतवार नाशक मारना है, यानी कि तननाशक मारना है। तो अभी ये 20 दिन का हो चुका है, 15 से 20 दिन का प्याज हो तभी तननाशक मारना चाहिए, यानी खरपतवार नाशक मारना चाहिए, तभी उसका उपयोग होगा। नहीं तो आप क्या करोगे, 10-12 दिन के प्याज को मारोगे तो वापस वो खरपतवार उग जाएगा। इसलिए कम से कम 20 दिन का या 15 दिन का तो प्याज होना चाहिए, उसको तननाशक मारना, ताकि आपको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो, थोड़ा खर्च भी कम हो। यानी कि आप अगर उगेगा खरपतवार तो आप वापस उसको खरपतवार नाशक मारोगे, तो उससे आपका खेती का भी खर्च बढ़ेगा और आपकी मेहनत भी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए प्याज कम से कम 15 से 20 दिन का होना चाहिए, उसके बाद ही खरपतवार नाशक मारना। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ईमल डालना है और मैंने कौन कौन सी दवाई लाई है, मैं आपको दिखाता हूँ सारा। तो आप वीडियो में बने रहना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी खेती से संबंधित जानकारी आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलो करते हैं शुरू, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन सी दवाई लाई है और कितने ईमल डालूंगा और किस 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 प्रकार की दवाई है। तो चलो करते हैं शुरू। ये दवाई लाया हूँ मैं, ये दोनों ही खरपतवार नाशक है, एक का नाम है विप सुपर और दूसरा है गोल। और वो देखिए, वो है मेरा स्प्रे पम्प, 15 लीटर का पम्प है। और ये है दवाई खरपतवार नाशक, और ये है मेरा प्याज, इसको मैं अभी खरपतवार नाशक मारने वाला हूँ। इसकी जो मात्रा है वो 20 ईमल डालना, यानी कि 15 लीटर के पम्प में 20 ईमल डालना, 20 ईमल से ज़्यादा मत डालना। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो खरपतवार की जगह आपको आपका प्याज को ही नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा मत डालना, कम से कम डालना, 20 ईमल से ऊपर मत डालना। किसान भाई, तो ऐसे होती है कि अगर ज़्यादा मात्रा में दवाई डालेंगे तो हमारी खरपतवार ज़्यादा मात्रा में मरेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में दवाई डालोगे तो खरपतवार की जगह आपके फसल को नुकसान हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मात्रा में दवाई डालोगे तो खरपतवार ही मरेगा, खरपतवार भी मर जाएगा, साथ साथ आपके प्याज को भी नुकसान होगा। लेकिन इसीलिए उसकी जो मात्रा है उस हिसाब से ही डालनी चाहिए, 20 ml से ज़्यादा मत डालना। लेकिन कई किसान भाई तो ऐसे होते हैं कि 20 छोड़ के 25-30 ml डाल देते हैं। मैंने आपको बताया कि उनका इशू भी ऐसा रहता है कि ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, यानी कि ज़्यादा उसकी मात्रा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से खरपतवार मर जाएगा। खरपतवार नाशक मारने से एक दिन पहले प्याज को पानी जरूर दे देना। अगर आप उसको सूखे में मारोगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप उसको एक दिन पहले पानी भरोगे फिर बाद में मारोगे तो तभी उसको फ़ायदा होगा, तभी खरपतवार अच्छी तरीके से मरेगी। देखिए, इसको मैंने कल ही पानी दिया है, अब आज मैं इसको स्प्रे करने वाला हूँ खरपतवार नाशक का। यानी कि एक दिन पहले ही उसको पानी भर देना और अगले दिन मारना, ताकि वो अच्छी तरीके से गीला भी हो जाए और खरपतवार भी मर जाए और हमारे प्याज को भी कुछ नुकसान ना होए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं स्प्रे करता हूँ और आप किस तरीके से करते हो और आप कहाँ से हो, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हो। मैं अभी महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट धुड़े से हूँ मैं, और मेरा तालुका है शिंदखेड़ा, तहसील शिंदखेड़ा है मेरा, और मेरा गांव है विरदेल, विरदेल विलेज का रहने वाला हूँ। ऐसे ही खेती से जुड़ी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान और गुड बाय।